हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कोमल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज़ अ सब्जेक्ट इन क्लास 12th। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो 11th क्लास में है, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब के मीनिंग्स तो क्लियर होंगे आई एम अज्यूमिंग। लेकिन अगर आपको फिर भी उनमें थोड़ा डाउट है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, वी विल मेक अ डिफरेंट सीरीज ऑन दैट एज वेल। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जो इंग्लिश का वर्ड मैक्रो है वो ग्रीक टर्म मैक्रोस यहाँ से डिराइव किया गया है। द टर्म मैक्रोस, इट मीन्स लार्ज। तो जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो क्या करती है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक इश्यूज को या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करती है। विच आर दीज प्रॉब्लम्स? फॉर एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, इन्फ्लेशन इज देयर, डिप्रेशन इज देयर, राइट? तो जब भी, लेकिन अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो उसमें हम उसको इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स नाउ। तो जब इसके मीनिंग की बात आती है, सबसे फर्स्ट जो बेसिस है ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इज द मीनिंग। तो माइक्रो, उस वर्ड का मीनिंग होता है स्मॉल, और मैक्रो वर्ड का मीनिंग होता है लार्ज। जैसे अभी हमने बात करी कि जो माइक्रो में प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है इंडिविजुअल या स्मॉल स्केल पर स्टडी किया जाता है, लेकिन मैक्रो में जो प्रॉब्लम्स या सेंट्रल इश्यूज होते हैं उनको लार्ज लेवल पर स्टडी किया जाता है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ स्टडी हियर? जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल फर्म की स्कार्सिटी की प्रॉब्लम, एक इंडिविजुअल फर्म की चॉइस की प्रॉब्लम, एक कंज्यूमर की, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे और उनकी चॉइसेस के ऑप्शंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, यही दोनों प्रॉब्लम्स, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसको हम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल उसको स्टडी करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में किस चीज़ की स्कार्सिटी है और हम उसको किस तरह से, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कम ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब क्या है, आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स जब स्टडी की थी तो उसमें हमने क्या करा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, तो उसमें हमने क्या करा था कि कुछ वेरिएबल्स को हम ना कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, एंड ओनली ड्यूरिंग दोज एजम्पशन जो वो लॉ होता है वो अप्लाई होता है। तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो इसमें हम क्या करके बात करते हैं, कौन से वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, कंज्यूमर्स डिमांड, प्रोड्यूसर्स सप्लाई, ये सब चीज़ें। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, इसमें वेरिएबल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, जैसे सिंगल कंज्यूमर की अगर हम डिमांड की बात करें, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन हम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सिंस इसका जो स्कोप होता है वो कम होता है, इसीलिए इसमें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है वो भी लिमिटेड लेवल पर होगा। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है वो एज कंपेयर टू माइक्रो लार्ज होगा। नेक्स्ट, डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस। अभी जैसे हमने बात करा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो माइक्रो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट है। माइक्रो में जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हम वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल प्रोडक्शन जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी करेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो। लेकिन जो हमारे माइक्रो वेरिएबल्स है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन इसका टोटली ऑपोजिट होता है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें हमारे मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं और जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एजेंट्स की हम लोग बात करते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से एजेंट्स होते हैं, दीज आर द एजेंट्स जो हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस लिया करते हैं। जब भी हम माइक्रो की बात कर रहे हैं तो ये एजेंट्स जो होंगे वो इंडिविजुअल होंगे, जैसे कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है,
that will be decided by a individual producer and he will focus only on his personal gain. Similarly, being a consumer, मैं सोचूंगी मुझे अपना पैसा जो है वो कहां पर इन्वेस्ट करना है ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, वो मेरा कॉन्सेप्ट है. इट मीन्स क्या है, हम सिर्फ अपने पर्सनल गेन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. बट इफ वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स या हम मैक्रो लेवल पर जब स्टडी करते हैं तो ये इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स जो होते हैं दे कम इनटू पिक्चर. फॉर एग्जाम्पल आरबीआई है हमारा, जो क्या करता है, इकोनॉमी में मॉनेटरी डिसीजंस लिया करता है. सेबी है, कमोडिटी मार्केट को एक्सचेंज मेंटेन करके रखता है. ट्राई है हमारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फोन्स वगैरह से रिलेटेड डिसीजंस लेता है. और इनका जो मेन फोकस होता है वो सोशल वेलफेयर करना होता है. मतलब ये पूरी सोसाइटी को लेकर अपने डिसीजंस लेते हैं, इंडिविजुअल को लेकर नहीं. नेक्स्ट, सेंट्रल इशू. सेंट्रल इशू मतलब हमारी यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है, किसके चारों तरफ हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स घूमती है, दैट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमारे को अपने रिसोर्सेज जो है वो कहाँ पर एलोकेट करने हैं, बिकॉज इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव स्टडीड दैट देयर इज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस. मीन्स मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मेरी चॉइसेस अनलिमिटेड हैं, तो मुझे अपने रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से, बहुत रैशनली क्या करना है, यूटिलाइज करना है, एलोकेट करना है. बट इफ यू टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम आती है कौन सी, आउटपुट की, कि हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, मोर एंड मोर पीपल शुड गेट एम्प्लॉयमेंट, राइट. नेक्स्ट, मैथड ऑफ स्टडी. माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं, देयर वी टॉक अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. इसका मतलब क्या होता है, वी टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल मार्केट. किसी भी तरह की मार्केट हो सकती है, जैसे कंज्यूमर मार्केट में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, प्रोड्यूसर मार्केट में इक्विलिब्रियम होना चाहिए. बट अगर हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी एज अ होल के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, कि हमारी पूरी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट एंड द लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, दैट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. What it says that what is logical at the micro level may not be logical at the macro level. You might get confused. Let me put in a simpler language. कि जो चीज़ micro level पर true हो सकती है, हो सकता है वो macro level पर true ना हो. For example, जैसे हमारे parents भी हमें कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना saving करनी चाहिए. एक individual save करे, बहुत अच्छी बात है. जैसे आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जनधन योजना थी, वो किस लिए की गई थी, बेसिकली उसके पीछे ऑब्जेक्टिव भी यही था कि लोगों के अंदर छोटी छोटी सेविंग्स को क्या करना, हैबिट को इनकलकेट करना, ताकि वो लोग क्या करें, अननेसेसरी खर्चों से बचें. बट अगर यही चीज़ क्या की जाएगी पूरे इकोनॉमिक लेवल पर, मतलब पूरी इंडिया के लोग क्या करने लग जाएं, अगर वो सेविंग करने लग जाएं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा. More saving, it means less demand for goods and services. तो वो लोग जब demand ही नहीं करेंगे, तो उसका मतलब क्या है? There will be less production in the economy. जब production ही नहीं होगा, तो क्या होगा? जो लोग employed हैं, या तो उनको अपनी job से छोड़ना, या तो उनको अपनी job छोड़नी पड़ेगी, या existing level पर हम क्या करेंगे? Employment provide नहीं करा पाएंगे. इसका मतलब unemployment will rise, और unemployment rise होने की वजह से क्या हो जाएगा? Economy prosper होने की बजाय poverty में चली जाएगी. So, micro macro paradox says that we have to maintain a balance between those saving concept. मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें save तो करना है, लेकिन investment भी increase होना चाहिए, ताकि क्या कर सके, economy जो है वो grow कर सके. Okay, now let us discuss about the next topic, that is scope of macroeconomics. इसमें हम लोग स्टडी करेंगे दैट व्हाट आर द टॉपिक्स या व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. हम मैक्रो में किस किस चीज को स्टडी करते हैं, बेसिकली टॉक्स अबाउट द चैप्टर्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट सेज अबाउट द नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स. थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम देखेंगे हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट राइज करने के लिए क्या क्या स्कीम्स चलाई हैं, क्या क्या पॉलिसीज लेकर आए हैं. थियरी ऑफ मनी, वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक
how it controls the commercial banks of the economy, या कमर्शियल बैंक्स जो है वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में, दे इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, दैट इज इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप. हम देखेंगे कहाँ पर हमारी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्विलिब्रियम में आती है, एंड इन केस अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है व्हाट विल हैपन एंड वाइस वर्सा. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट जो है वो अपने इनकम कहाँ से जनरेट करती है, कहाँ उस पैसे को एक्सपेंस करती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट में यू नो वेरी वेल हम लोग बात करेंगे अपनी कंट्री के रुपीज, मतलब द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ अदर फॉरेन करेंसी इन द ग्लोबल मार्केट, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग बात करेंगे इंडिया की इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के बारे में, वेदर देयर वॉज अ नेट इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन आर कंट्री और नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आर कंट्री. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब भी हम लोग बात करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की, देन वी टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम माइक्रो लेवल पर बात नहीं करते हैं. तो सबसे पहली चीज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है, दैट इज डिस्क्राइब द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के नेचर के बारे में बताती है. जैसे अभी हमने इसके स्कोप में पढ़ा नेशनल इनकम. नेशनल इनकम आपको बताता है कि हमारी इकोनॉमी में किस तरह की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो रही है, वेदर वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, वेदर वी आर डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी और द टर्शरी सेक्टर. इंडिविजुअल लेवल पर भी हम देखेंगे और ओवरऑल हम अपनी कंट्री की GDP के बारे में बात करेंगे. When we talk about unemployment, वो हमारे को बताएगा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितनी ग्रेव है. अभी रिसेंट डाटा में भी ये चीज़ बताई गई थी कि हमारी जो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट थी वो पिछले आई थिंक 40 ईयर्स में सबसे पीक पर थी, एंड बिकॉज ऑफ द COVID-19 इट इज़ इंक्रीजिंग राइट नाउ. क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं, वी ऑल आर स्टेइंग एट आर होम्स टू कीप आर सेल्स सेफ फ्रॉम द डिजीज एंड हाउ इट कैन बी सोल्ड. नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट. जो गवर्नमेंट बजट हम लोगों ने पढ़ेंगे वो हमें बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से हमारे को क्या करती है, रेगुलेट करती है इकोनॉमी को, कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज बनती है, कैसे फिस्कल पॉलिसीज बनती है. वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट द रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसे आपको पता है गवर्नमेंट हर साल अपना बजट लेकर आती है. गवर्नमेंट पहले 5-year प्लान्स लेकर आती थी जो अब 15-year प्लान्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, नीति आयोग जिसके लिए बनाया गया था. तो वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं वो किस बेसिस पर बनाते हैं, प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट लेकर आते हैं कि अब मुझे अटल पेंशन योजना लेकर आनी है, लाइक येस्टरडे द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द 20 लाख करोड़ पैकेज राइट फॉर बींग सेल्फ रिलायंस. तो ये गवर्नमेंट स्टडी करती है मैक्रो लेवल पर. गवर्नमेंट देखती है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स मैक्सिमम फेस करनी पड़ रही है और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इट डील्स विद द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट बजट के ट्विन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की यू टॉक अबाउट, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्ट होता है क्या, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. हम ग्रोथ भी चाहते हैं बट वी हैव टू कीप द इन्फ्लेशन इन कंट्रोल एज वेल राइट. और उसको करने के लिए हमारे पास क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी विच इज ब्रॉट बाय RBI और फिस्कल पॉलिसी विच इज ब्रॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस. जैसे अभी हमने बताया आपको, इसमें कंट्री के क्या देखे जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो हमें ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है. अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा देयर विल बी नेट इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, और अगर हमारी कंट्री ने इम्पोर्ट ज़्यादा किया है देन देयर विल बी नेट आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, हमारे यहाँ से पैसा जो है वो चला जाएगा. नेक्स्ट इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. अब जैसे आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है अल्टीमेटली पॉवर्टी को लीड करेगी. लाइक दीज बोथ आर द कॉज एंड इफेक्ट, दे बोथ हैव द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. पॉवर्टी है then it will lead to unemployment, अगर unemployment है it will lead to poverty. तो कैसे हमें उस problem को tackle करना है और साथ ही साथ हमें क्या करना है,
अपनी इकोनॉमी को भी, जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको भी नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना है. लाइक मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज विल बी स्टैब्लिश, लेकिन उसके उससे निकलने वाला जो पोल्यूशन है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. फॉर वी हैव टू कीप दैट इन चेक एज वेल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेज पॉलिसी फॉर्मुलेशन. अभी जैसे हमने बात करी किसकी, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जैसे एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ये देखकर गवर्नमेंट करती है अपनी पॉलिसी बनाने को. अब जैसे गवर्नमेंट ने क्या लेकर आया, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, ये बेसिकली गवर्नमेंट लेकर आई है एमएसएमईज के लिए. एमएसएमईज का मतलब क्या है, हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, या फार्मर्स के लिए, या माइग्रेंट वर्कर्स के लिए. उनके लिए उनको लाने की क्यों जरूरत, क्योंकि दीज आर द पीपल जो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, और जो ये वी पीपल जो हम लोग हैं, फार्मर्स हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके क्या करते हैं, इकोनॉमी में, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं. अगर वो डिमांड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ होगा. तो गवर्नमेंट जो है, जब भी उसको कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होती है, दे कीप इन माइंड द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन माइंड. होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक. इन केस इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.